तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं राम की पैड़ी, जो कि सरजू नदी के ठीक पास में ही है राम की पैड़ी। और यहां का खूबसूरत नजारा देखने काबिल है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर बात करें तो इधर सारे जितने भी चैनल वाले हैं, न्यूज वाले इधर आपको दिखाई देंगे। और ये पूरा आपको जो व्यू दिख रहा है, यहाँ पे नाइट में रेजर शो होता है। और आइए हम आपको इधर दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ का जो दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और प्रेम आ जाओ। तो दोस्तों आप इधर की बात करें तो ये जो राम की पैड़ी है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यहाँ का। और ये देखिए, और सामने की बात करें तो ये सामने आप झरना देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत झरना यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत इस राम की पैड़ी में, जहाँ पे लोग काफी स्नान भी कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और लोग तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं पास से, देख सकते हैं लोग कैसे स्नान करते हुए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लोग क्या स्नान कर रहे हैं ये देख सकते हैं। ये वाह, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए अभी से सारे भक्तों की यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए काफ़ी लाइनें लग चुकी हैं और सब लोगों जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए सारे भक्त लोग यहाँ पर जय श्री राम कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी, जो कि इस समय ठीक है दिन के 2 बज चुके हैं और 2 बजे का ये आलम है कि आप ये देख सकते हैं ये। और इधर की बात करें तो इधर ये वो मंदिर है, ये मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग चुकी है। सारे भक्त लोग आप देखिए लाइनें छूट चुकी है और सारे भक्त लोग यहाँ से जाना चालू कर दिए हैं और सब लोग जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने ये भीड़ है, ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई साहब हैदराबाद से आए हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं कि अभी ये दर्शन करने के लिए लाइन में काफी देर से खड़े हैं, आइए इनसे कुछ पूछते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ जी, मैं हैदराबाद से आया हुआ, हनमकोंडा से, तेलंगाना स्टेट से, ये दर्शन करने के लिए मैं आज सुबह आया और वहाँ से फ्लाइट से आ गए और वहाँ से अभी 3 घंटा था इधर मैं पहुँचा। अभी श्री राम जी दर्शन के लिए, दर्शन करने के लिए मैं इधर पहुँचा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइनें लगी हैं, अगर देखा जाए तो एक तरफ महिलाओं की एक तरफ पुरुषों की काफ़ी यहाँ पे लाइनें चल रही है और ठीक समय के 2 बजे हैं, जो कि अभी मंदिर का पाट खुल चुका है और लोग मंदिर का दर्शन करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि 22 तारीख में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने वाला, उससे काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए, देखिए जय श्री राम का नारे भी लोग लगा रहे लगाइए आप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है, लोग जयकारे लगा रहे हैं जय श्री राम का, जो कि दर्शन करने के लिए अगर देखा जाए तो काफी यहाँ पे लाइनें लग चुकी हैं, काफी दूर तक यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, जैसे एक तरफ महिलाओं की एक तरफ पुरुषों की काफी यहाँ पर भीड़ है और सबके मुख से ये निकल रहा है जय जय श्री राम, सब लोग नारे लगा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई साहब कानपुर से आए हैं और आप छपरा से आए हैं,
जमशेदपुर से, और आप लोगों ने जो इस मंदिर का दर्शन किया बहुत ही भव्य लगा, कैसा लगा आप लोगों का? बहुत सुंदर लगा, बहुत भव्य लगा, बहुत। तो आइए कुछ जानकारियां लेते हैं आप लोगों से। से आए और ये मंदिर दर्शन करने आए हुए हैं आप, टाटा जमशेदपुर से आए हुए हैं, और ये पीछे जो मंदिर बन रहा है बहुत भव्य और बहुत सुंदर बन रहा है, इसका कोई जोड़े नहीं है। और बहुत सारी अच्छी सुविधा यहाँ पर है, आप दर्शन करने आएंगे आपको देख करके बहुत ही आनंद आएगा। आप सभी लोग आइए और दर्शन करिए, 22 तारीख के बाद आइए और खूब दर्शन करिए और बहुत सुंदर लगेगा, बहुत आनंद आपको आएगा। अच्छी बात यह है कि इस मंदिर के भवन बनने के साथ साथ में यहाँ का विकास कार्य इतना अति सुंदर हो गया है कि अभी हम मोहल्ला और प्रोनी में घूम कर देखे, बहुत कभी साधारण तरीका से लोग रह रहा था, सब अपने अपने घर का मरम्मत करके छोटा छोटा होटल और दुकान कर रहे हैं, इतना विकास हो रहा है कि सबका जीवन भविष्य के लिए इतना प्रफुल्लित है सब लोग, कि हम लोग का सौभाग्य है कि अयोध्या का इस तरह से परिवर्तन हुआ, मोदी जी के राज्य में ऐसा सौभाग्य मिला कि ये इतना विकास हुआ, और हमारे अगल बगल जितने भी हमारे छोटे छोटे शहर हैं और काम करने वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, सबका जीवन अति धान की तरफ बन रहा है। हम लोग ऐसा सपने में जो नहीं सोचा था वो आज हम लोग का परिपूर्ण हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि हमने अभी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आपको पूरा व्यू दिखाया, दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। जय हिंद, जय भारत।